अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कलंक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ना दानियाल को सारा की सच्चाई बता देगी कि किस तरह से उसने और सरफराज ने मिलकर उसके किरदार पर कीचड़ उछाली और यहां तक कि उसके घर भी पहुंच गए, जिसकी वजह से उसके मंगेतर ने भी उसे छोड़ दिया। ना दानियाल को यही बताएगी कि सारा बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे प्यार करते हैं, अगर वो मान जाए तो उससे शादी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने, सरफराज ने और उसके मंगेतर ने उसके साथ जो कुछ भी किया है बात सिर्फ आप ही इसका अजाला कर सकते हैं। प्यार करते हैं सारा से, बहुत अच्छी लड़की है, आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मैंने, सरफराज ने, कि मंगेतर ने जो कुछ भी किया उसके साथ, सिर्फ आप उसका अजाला कर सकते हैं। मान जाए तो शादी कर लीजिएगा। और नाजरीन, दूसरी तरफ वहाद, जो कि सारा का सच जानने के बाद अपने ही आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और उसे अपनी ही जात से नफरत होने लगेगी कि उसने क्यों उस वक्त सारा का यकीन नहीं किया। आने वाली एपिसोड में वो अपने किए की माफ़ी भी सारा से मांगेगा कि मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उस वक्त सोच समझकर फैसला किया होता तो आज हम एक साथ होते। लेकिन वहाज ने जो कुछ सारा के साथ किया उसकी सज़ा तो इसे मिलनी ही थी और वो सज़ा दुरैया की सूरत में इसे मिली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, हो सके तो माफ़ कर देना, मुझे उस वक्त अल्फाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। अगर मैंने उस वक्त सोच समझ के फैसला लिया होता तो आज हम दोनों एक होते। तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे दानियाल किस तरह से सारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कि सारा भी मान जाए, क्योंकि सारा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, सिर्फ दानियाल ही वो वाहिद शख्स है जो इसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियां लेकर आ सकता है। तो नाज़रीन, इस ड्रामे के इस खूबसूरत से एंड को देखने का किस किस को इंतज़ार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।